नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में, अवैध वन्य जीव व्यापार पर वित्तीय कार्रवाई बल की रिपोर्ट आई हुई है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो देखेंगे गैर कानूनी वन्य जीव व्यापार क्या होता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। गैर कानूनी वन्य जीव व्यापार से क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसके मुख्य बिंदु क्या है, रिपोर्ट में भी क्या सुझाव दिए गए हैं, और जटिल धोखाधड़ी और चोरी क्या है, उस पर भी बात करेंगे। यानी कि लगभग हर पक्ष पर उसमें देखने की कोशिश करेंगे हर पक्ष को। जब भी अवैध वन्य जीव व्यापार की बात आती है तो आपको एक याद आ जाती होगी, बिरप्पन की, बिरप्पन मोइली, दक्षिण भारत में आपने देखा होगा मूवी। हाल ही में वित्तीय कार्रवाई द्वारा अवैध वन्य जीव व्यापार पर एक रिपोर्ट दी गई है। ये अपनी तरह की पहली रिपोर्ट है। क्या है? अपनी तरह की पहली रिपोर्ट है। अनियंत्रित गैर कानूनी वन्य जीव व्यापार का बाजार मूल्य अनुमान कितना है? मत्स्य 4.2 अरब डॉलर, अमेरिकी डॉलर है याद रखिए, 9.5, 9.5 अरब प्रतिवर्ष के बीच का कास्ट, और 7 अरब प्रतिवर्ष डॉलर, ये आपका मत्स्य क्षेत्र का है। ठीक है, वन्य जीवों की तस्करी की बात करें तो ये मत्स्य एवं काष्ठ को छोड़कर, यहाँ ऊपर आपका काष्ठ शामिल कर दिया गया, तो 7.8 अरब डॉलर और 10 अरब डॉलर, इनके बीच प्रतिवर्ष के बीच होता है इनका वन्य जीवों की तस्करी का, इतना बड़ा व्यापार है। समझ रहे हैं, इतनी तस्करी की जाती है इतने अरब डॉलर की एक वर्ष में। इन सभी को मिलाकर देखें तो गैर कानूनी वन्य जीवों की तस्करी विश्व में नशीले पदार्थ, मानव नशीली मुद्रा के बाद चौथा सबसे बड़ा और गैर कानूनी तस्करी उद्योग है। गैर कानूनी वन्य जीव व्यापार क्या है? गैर कानूनी वन्य जीव व्यापार एक मुख्य अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध है, जिसमें जीवित या फिर मृत वन्य जीव अथवा उनसे प्राप्त वस्तुओं का गैर कानूनी व्यापार होता है, जो प्रत्येक वर्ष अरबों आपराधिक प्राप्तियां उत्पन्न करता है। अवैध वन्य जीव व्यापार पर अपनी पहली वैश्विक रिपोर्ट में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने इसे वैश्विक खतरा के रूप में वर्णित किया है, जिससे आधुनिक दास्ता, मादक पदार्थों की तस्करी और हथियारों के व्यापार जैसे अन्य संगठित अपराधों के साथ संबंध भी है इनके। आप समझ रहे हैं कि कई बार आपने सुना होगा कि शेर की खाल उतारने के लिए शेर का शिकार कर दिया, हाथी का शिकार करते थे हाथी दांतों के लिए, व्यापार के लिए, समझ रहे हैं? तो इसी यही आपके मानव तस्करी की तरह आपका वन्य जीव तस्करी भी होता है। कई बार जिंदा शेरों को भी बाहर भेज दिया जाता है व्यापार के रूप में। ठीक है, गैर कानूनी वन्य जीव व्यापार से क्या प्रभाव पड़ते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। यह भ्रष्टाचार को जन्म देता है, जैव विविधता पर खतरा उत्पन्न भी करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि सबका बराबर योगदान है। आप अगर धरती पर सोचें कि आपका पृथ्वी पर सबसे ज्यादा योगदान है, नहीं, आप मान बैठे हैं इसे कि आपका सबसे ज्यादा इस धरती पर हक है, लेकिन नहीं, ये सबका बराबर हक है, चाहे वो आपका कोई छोटा जीव हो या फिर बड़ा जीव हो। ठीक है, और सबका बड़ा बड़ा योगदान है, आपका भी योगदान है इसे में, तो उनका भी योगदान बराबर का है, तो उन्हें भी कम ना समझें। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं अर्थव्यवस्था पर सार्थक नकारात्मक प्रभाव डालता है। अपनी गैर कानूनी वन्य प्राप्तियों को स्थानांतरित करने, छिपाने एवं जायज बनाने हेतु वन्य जीव तस्कर हमारे वित्तीय एवं अवित्तीय क्षेत्रों में मौजूद कमियों का उपयोग करते हैं, जिससे कि आगे ना सिर्फ और वन्य जीव अपराध संभव हो पाते हैं, बल्कि हमारे वित्तीय अखंडता एवं आर्थिक संप्रभुता को भी भारी नुकसान पहुंचता है। ये आपका राष्ट्रीय व्यापार नहीं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार फैला हुआ है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी। ऐसे अपराधों को नियंत्रित करने और उनके नकारात्मक प्रभाव को निष्क्रिय बनाने के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वित्तीय कार्रवाई कार्यबल क्या प्रयास कर रहा है? IWT पर FATF वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ने अपनी पहली वैश्विक रिपोर्ट जारी की है। इसे FATF स्टाइल रीजनल बॉडीज यानी वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के सहायक निकायों में से दो अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा किए गए कार्यों और
हाल ही में निजी क्षेत्र द्वारा की गई पहल एवं पिछले अध्ययनों पर आधारित है। इस रिपोर्ट में निष्कर्ष एफटीएफ ग्लोबल नेटवर्क के लगभग 50 अधिकार क्षेत्रों के इनपुट के साथ ही निजी क्षेत्र और नागरिक समाज में निहित विशेषज्ञता पर आधारित है। इसके अगर मुख्य बिंदुओं की बात करें हम लोग, तो एफटीए का यह अध्ययन वन्य जीव अपराधों में के मनी लॉन्ड्रिंग पहलुओं का आकलन करता है और यह दर्शाता है कि आईडब्ल्यूटी का मुकाबला करने के लिए अधिकार क्षेत्रों को एफटीएफ मानकों को कैसे लागू करना चाहिए। अवैध व्यापार से प्रति वर्ष 23 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का राजस्व उत्पन्न होने का अनुमान है। यह अध्ययन इस बात पर प्रकाश डालता है कि अधिकार क्षेत्रों को आईडब्ल्यूटी गैर गैर कानूनी वन्यजीव व्यापार द्वारा उत्पन्न आय को एक वैश्विक खतरे के रूप में देखना चाहिए, ना कि केवल उन अधिकार क्षेत्रों के लिए एक समस्या के रूप में जहां वन्यजीवों को अवैध रूप से प्राप्त किया जाता है, स्थानांतरित या फिर बेचा जाता है। विशेष रूप से अपराधी वन्यजीव अपराधों से अवैध आय को स्थानांतरित करने और छिपाने के लिए अक्सर वैध वन्यजीव व्यापार साथ ही साथ अन्य आयात निर्यात प्रकार के व्यवसायों का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से आतंकवादियों को फंडिंग की जाती है, ये वही अवैध पैसा होता है जिसका कोई लेखा जोखा नहीं हो सकता है होता है, समझ रहे हैं? उसी पैसे को से इन्हें फंडिंग की जाती है, इस तरह के संगठनों को। भ्रष्टाचार, जटिल धोखाधड़ी और कर चोरी पर भी नियमित रूप से भरोसा करते हैं। इस अध्ययन का एक अन्य प्रमुख विषय वन्यजीव अपराधों से होने वाली आय को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन मार्केट प्लेस और मोबाइल और सोशल मीडिया आधारित भुगतानों की बढ़ती भूमिका है। ये रुझान आईडब्ल्यूटी से वित्तीय अपराध की पहचान करने और बाधित करने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज से समन्वित प्रतिक्रिया के बढ़ते महत्व को उजागर करते हैं। पूर्व के अध्ययनों के अनुसार एफटीएफ ने पाया कि आईडब्ल्यूटी के वैश्विक प्रभाव के बावजूद कई अधिकार क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को उठाने पड़ रहे जोखिम के बावजूद आईडब्ल्यूटी से जुड़े वित्तीय प्रवाह का सामना करने की कोई प्राथमिकता नहीं दी गई है। अधिकार क्षेत्रों के पास अक्सर खतरे का आकलन मुकाबला करने के लिए आवश्यक ज्ञान, विधायी आधार और संसाधन नहीं होते हैं। रिपोर्ट में सुझाए गए कुछ कदम भी हैं, इन्हें भी देख लीजिए। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए अधिकार क्षेत्रों को अध्ययन के दौरान निम्नलिखित अच्छी प्रथाओं को लागू करने पर विचार करना चाहिए। आईडब्ल्यूटी के जोखिमों से संबंधित वित्तीय प्रवाह से निपटने को प्राथमिकता दें। आईडब्ल्यूटी में सफल वित्तीय जांच करने के लिए संबंधित एजेंसियों को आवश्यक अधिकार और उपकरण उपलब्ध कराएं, यानी कि प्रदान करें। वन्य जीव अपराधों से निपटने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और वित्तीय जांच के संचालन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के बीच समन्वय सुधार करना चाहिए, ताकि अधिकारियों को अधिक नियमित रूप से जानकारी का आदान प्रदान करना और वित्तीय नियमों का पालन करना सुनिश्चित हो सके। आईडब्ल्यूटी का मुकाबला करने के लिए अन्य अधिकार क्षेत्रों, प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और निजी क्षेत्र के साथ सहयोग करें। जटिल धोखाधड़ी और कर चोरी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2012 में भारत ने धन शोधन निवारण अधिनियम में संशोधन किया, जिसमें मूल सीमा 30 लाख रुपए 30 लाख या उससे अधिक थी, जो पहले वन्यजीव व्यापार विधेयकों पर लागू थी। अध्ययन के दौरान अध्ययनों में शामिल 45 देशों में से 22 ने खुद को वन्यजीव अपराध के लिए स्रोत माना है, 18 ने पारगमन देशों के रूप में और 14 ने गंतव्य देशों के रूप में, 9 देशों को छोड़कर सभी को व्यापार से जुड़े वित्तीय प्रभाव से जोखिम से प्रभावित होने की सूचना मिली है, जिसमें अधिकांश अपवाद यूरोपीय देशों के हैं। कहाँ के अपराध? यूरोपीय देश में से। रिपोर्ट के अनुसार आपराधिक सिंडिकेट आय बढ़ाने के लिए औपचारिक वित्तीय क्षेत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऋण या भुगतान ई बैंकिंग प्लेटफॉर्म, लाइसेंस प्राप्त मनी वैल्यू ट्रांसफर सिस्टम और बैंकों के माध्यम से तीसरे पक्ष के वायर ट्रांसफर की आड़ में
नगद नगद जमा के माध्यम से धन की लूट की जाती है। निर्दोष पीड़ितों के खातों को भी उपयोग किया जाता है। उच्च मूल्य वाले भुगतानों का पता लगाने से बचते हैं। फ्रंट कंपनियां अक्सर आयात निर्यात उद्योगों से जुड़ी होती हैं और सेल फार्मों का उपयोग माल की आवाजाही और ट्रांस बॉर्डर मनी सिस्टम के लिए किया जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक अन्य सामान्य प्रवृत्ति कानूनी वन्य जीवों के व्यापार से जुड़ी कंपनियों का दुरुपयोग है। भारत में बड़े पैमाने पर सुनहरे कटहल का अवैध व्यापार हो सकता है। अन्य उद्योगों जो दुरुपयोग के लिए अधिक असुरक्षित हो सकते हैं, जिसमें पारंपरिक चिकित्सा सजावट और आभूषण और फैशन शामिल होते हैं। निष्कर्षता क्या कहा जा सकता है कि राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा व आर्थिक संप्रभुता को बचाने हेतु इस प्रकार के अवैध व्यापार पर रोक लगाना चाहिए। ऐसे में यह संकट जो आर्थिक सुरक्षा तथा पर्यावरण तीनों के लिए खतरा है, उसके निदान हेतु विश्व समुदाय को एक साथ आना होगा। इस तरह से इस व्यापार को रोका जा सकता है।